हेलो बच्चों, क्या आप मुझे अभी देख पा रहे हैं? नहीं ना, क्योंकि अभी इस कमरे में अंधेरा है। तो अब आप मुझे देख पा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अब ये जो कमरा है ये प्रकाशमान है। बच्चों, हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु हमें तभी दिखाई देती है जब उससे प्रकाश की किरण टकराती है और वो परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ती है, जिससे उसका प्रतिबिंब बनता है और वो वस्तु हमें दिखाई देती है। अभी आप गोली दर्पण में परावर्तन को सुन व समझ रहे थे। गोली दर्पण, जिसकी चर्चा हमने पहले भी की है। हम जानते हैं कि गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल और एक अवतल। तो मेरे पास भी देखिए, यहाँ पर एक उत्तल दर्पण है और ये है अवतल दर्पण। और अब हम जो आपतित किरण और परावर्तित किरणें जो हमें सामान्यतः दिखाई नहीं देती, उसे लेजर लाइट की सहायता से देखने और समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ उत्तल दर्पण। और अब हम क्या करेंगे, इस कमरे में फिर से थोड़ा अंधेरा करेंगे और फिर लेजर लाइट की सहायता से आपतित किरण हम इस दर्पण पर डालेंगे और फिर देखेंगे कि परावर्तित किरण किस प्रकार गमन करती है। हमने ये उत्तल दर्पण ले लिया है और अब हम लेजर लाइट की सहायता से ये देखिए, ये प्रकाश की किरण जो है वो आपतित होती हुई दिखा सकते हैं। देखिए, हमने दो समानांतर प्रकाश की किरण यहाँ पर दर्पण पर आपतित होता हुआ दिखाया है और साथ में देखिए, ये स्पष्ट परावर्तित किरणें आपको दिखाई दे रही हैं जो कि अपसरित हो रही हैं, यानी कि एक दूसरे से दूर जा रही हैं। और साथ में आप ये भी देख सकते हैं, यदि आप इन दोनों परावर्तित किरणों को दर्पण की तरफ जाते हुए देखें तो ऐसा लगेगा कि मानो ये दर्पण के पीछे किसी बिंदु पर मिल जाएंगी और उसी बिंदु पर क्या होता है, उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब है वो हमें प्राप्त होता है और ये आभासी प्रतिबिंब होता है। देखिए बच्चों, हमने यहाँ लिया है अवतल दर्पण और अवतल दर्पण पर अब हम प्रकाश की किरण आपतित कर रहे हैं। ये देखिए, ये जो किरण दर्पण पर आपतित हो रही है ये बिल्कुल उसी दिशा में परावर्तित हो गई, यानी कि ये दर्पण के केंद्र से परावर्तित हो रही है, तो हम इसे इसका मुख्य अक्ष कह सकते हैं। अब इस मुख्य अक्ष के समानांतर हम और कुछ किरणें जो हैं वो आपतित करते हैं दर्पण पर। ये देखिए, अरे वाह, ये परावर्तित किरणें आपको दिखाई दे रही हैं और ये परावर्तित किरणें जो हैं ये मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर आपको अभिसरित होती भी दिखाई दे रही हैं। ये एक बिंदु पर मिल रही हैं और यही बिंदु जो है ये इस अवतल दर्पण के लिए इसका फोकस बिंदु है, जहाँ पर हमें अवतल दर्पण के लिए क्या मिलता है, उसका प्रतिबिंब। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों के लिए आपको फोकस बिंदु पर मिलता है। तो देखा बच्चों आपने कि जब हमने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण लिया और उस पर मुख्य अक्ष के समानांतर अनंत से जब किरणें आपतित होती हैं तो परावर्तन के पश्चात किस प्रकार गमन करती हैं। जब हमने उत्तल दर्पण लिया तो जो प्रकाश की किरण थी वो परावर्तन के पश्चात अपसरित हो गई, यानी कि एक दूसरे से दूर हटती चली गई। और यदि उन किरणों को दर्पण के पीछे हम देखें तो वो मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर हमें मिलती हुई दिखाई देती हैं। यही बिंदु जो है वो उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु है, जिस पर किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। अब बात करते हैं अवतल दर्पण की। जब हमने अवतल दर्पण लिया तो जो अनंत से आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर इस पर पड़ रही थी वो परावर्तन के पश्चात आपको कैसी दिखाई दी थी, वो एक बिंदु पर, मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर हमें दर्पण के सामने मिलती हुई प्रतीत हो रही थी। वही बिंदु अवतल दर्पण का फोकस बिंदु है और उसी बिंदु पर हमें वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देता है जो कि वास्तविक होता है।